बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद बहनों और भाइयों, इस्लाम का वो सुनहरी दौर जब मुसलमान पूरी दुनिया में ऐसे छा गए मानो सावन में आसमान पर बादल छा जाएं। तारीख इसी दौर को कुरूने औला के नाम से जानती है। उम्मत मुस्लिमा सारे जहां में ऐसी तारीख रकम करने जा रही थी जिसकी मिसाल ता कयामत नहीं मिलेगी। उस दौर के मुसलमान तारीख नहीं बल्कि तमाम जहानों को एक हैरत कदा बना रहे थे। आज हम उसी हैरत कदे के एक ऐसे तिलिस्मी खूबसूरत पुरअसरार शख्सियत के जौहर से मिलवाएंगे जिनके फहम व फरासत तक पहुँचना या उन्हें समझना बहुत मुश्किल काम है। याकूब इबन इसहाक अल-किंदी आलम इस्लाम के माथे का ऐसा झूमर था जिसने हैरत अंगेज़ तौर पर कुरान की साइंसी तफसीर पेश की थी। जिन्होंने इल्म हदीस इल्म तारीख पर बेहिसाब काम किया। फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साइकोलॉजी और मेडिकल यूनिवर्स एक्सपर्ट, वेदर एक्सपर्ट, इल्मुल मनाज़िर, फिलासफी और एजुकेशन पे अनथक लाजवाल काम किया। और बहनों, वह एक ऐसा वजूद था जिसकी मिसाल नामुमकिन है। वह एक सूफी और दरवेश था। सबसे हैरत की बात तो यह है कि उन्होंने इस्लामी दुनिया में म्यूज़िक की बुनियाद रखी, उस पर कई किताबें लिखीं। उन्होंने शराब की कई अकसाम इजाद की और उस पर पांच पांच किताबें लिखी। आपका यकीनन माथा ठनक गया होगा कि एक कुरान का मुफस्सिर भी हो और आलिम दीन भी हो और अपने दौर का मशहूर उस्ताद भी हो तो भला वो हराम काम कैसे कर सकता है। मगर ये एक सच्चाई है कि अल-किंदी अपने पीछे बहुत से सवाल छोड़ गए हैं और वो सवाल सोशल मीडिया वार में हमारे नौजवानों को घायल करते रहते हैं। नाज़रीन, मैं हूँ एम तशीर सिद्दीकी और देखो सुनो जानो हीरोज़ ऑफ इस्लाम के दूसरे एपिसोड में आपका इस्तकबाल करता हूँ। आज हम एक मारूफ शख्सियत को करीब से देखेंगे। शराब और संगीत से एक आलिम का क्या ताल्लुक हो सकता है? अजीम मुसलमान साइंसदान याकूब इबन इसहाक अल-किंदी 7वीं ईस्वी सदी में यमन के एक शाही ख़ानदान में पैदा हुए और प्राइमरी तक कुफा में तालीम हासिल की। दोस्तों, याकूब अल-किंदी पर और बात करने से पहले हमें इस्लाम के उस सुनहरे दौर को समझना बहुत ज़रूरी है जिसने किंदी के जहनी इर्तिका पर बहुत गहरा असर डाला। दोस्तों, 8वीं सदी में उम्मत मुस्लिमा दो बड़े इस्लामी गिरोहों में बट गई थी। पहला गिरोह कदामत परस्त कहलाता था। उनके नज़दीक साइंस, टेक्नोलॉजी और दीगर इल्म सिर्फ दुनियावी मालूमात है जो आखिरत के फिक्र से बागी करती है। इसके अलावा उनके नज़दीक कुरान की तशरीह वही थी जो सीधी सादी बनती है। मसलन कुरान करीम में इरशाद रब्बानी है कि तमाम शजर और पहाड़ सजदा करते हैं। अब अखली सवाल यह है कि हमने तो कभी नहीं देखे इनको सजदा करते हुए। कदामत परस्तों के नज़दीक बस सजदा करते हैं। इस पर गौर फिक्र रब से बगावत करना है, यानी मजहबी फिक्र को एक नए दावे से देखना यकीनन कुफ्र था। वहीं दूसरी तरफ दूसरा गिरोह मुतज़िला था। ये गिरोह हर चीज़ को अक्ल के दायरे कार से मानने के आदी थे। खुदा और फरिश्तों पर बाज़ औक़ात ऐसे सवाल उठाते थे कि इनके मुनहिद होने का शुबा होता था। ये भी कह सकते हैं कि वो एक आज़ाद ख्याल मुसलमान था। वैसे तो आज़ाद ख्याल मुसलमान आज भी हैं जो कि ज़हनी ग़ुलामी की एक किस्म है, जबकि 1200 साल पहले के आज़ाद ख्याल मुसलमान किसी तहजीब से मुतासिर नहीं थे बल्कि उनकी आज़ाद ख्याली एक बहुत बड़ी क्रिएविटी थी। नाज़रीन, यही वो गिरह है जिसने कुरान और हदीस की अखली तशरीह पेश करके उनसे साइंसी थ्योरीज और ईजाद का सिलसिला शुरू किया। उन्होंने अंधी तकलीद यानी अंधभक्ति नफ्सियाती तौर पर कमज़ोर करने वाली मजहबी किस्से कहानियों से बालातर होकर हर चीज़ को अक्ल और शौर पर परखने का फ़न ईजाद किया। नाज़रीन, इस्लाम के क़दामत परस्त और मुतज़िला दोनों गिरोहों में कई इल्मी मार्के हुए। हम दोनों में से एक को गलत या सही नहीं कह सकते। दोनों ही हमारे आबाओ अजदा के गिरोह थे और दोनों फ़िरक़े बहुत सी जगह पर ठीक भी थे और गलत भी थे। ओवरऑल जहाँ मुतज़िला गिरोह ने दुनिया के कुफ्र के सामने इस्लाम को अक्ल की बुनियाद से बेहतरीन दीन साबित किया था, इस्लाम को सोशल और साइंसी सोच फराहम की थी, इस्लामिक कल्चर को दुनिया का बेहतरीन कल्चर मनवाया, वहीं क़दामत परस्त मुसलमानों ने इस्लाम के रूहानी एहसास को बेहतरीन अंदाज में पेश किया। उन्होंने हदीस के मजमू मुरतब किए। उन्होंने क़यामत तक के लिए एक मजबूत इस्लाम दुनिया के हवाले किया।
ये दोनों गिरोहों में कुछ चीजों को लेकर इख्तिलाफ था, मगर दोनों ही इस्लाम के लिए आबे हयात साबित हुए और इन्हीं दोनों गिरोह के दरमियान याकूब किंदी मंजर का हिस्सा बने। चूंकि मुसलमान साइंसदानों की अक्सरियत मुतजिल्ला फिरके से थी, इसके अलावा याकूब के वालिद मुतजिल्ला फिरके के मुहद्दिस भी थे, लिहाजा याकूब का ज़हनी इर्तका भी अक्ल पसंद के गिरोह मुतजिल्ला के मदरसों में परवान चढ़ा। याकूब किंदी जब उरूज को पहुंचे तो पहली बार कुरान की साइंसी और अखली तशरीह पेश की। उन्होंने लफ्ज रब्बुल आलमीन की वसत का साइंसी नजरिया पेश किया। कुरान करीम में कई मुकामात पर दरख्त, पहाड़, सूरज और सितारों का सजदा करने का जिक्र है। इन्हीं आयतों से उन्होंने लॉज ऑफ फिजिक्स अखज किए, यानी सूरज, पहाड़ और दरख्त आखिर कैसे सजदा करते हैं। तो याकूब अल किंदी ने समझाया कि ये सब अपने रूटीन के खिलाफ काम नहीं करते और अपने रब के हुक्म से हरगिज आगे या पीछे नहीं होते, यानी अपने मदार को न छोड़ते हैं और न ही रुकते हैं। और एक हम अल्लाह के सबसे बेहतरीन तखलीक अशरफुल मखलूकात जिसे कहते हैं, हम अल्लाह के हुक्म के खिलाफ काम करते हैं। ये बात तशरीहतन हमें समझाई कि पेड़ों का और पहाड़ों का सजदा करना अल्लाह के नज़दीक अल्लाह के हुक्म को बजा लाना है। उन्होंने हरकत और टाइम पर दिलचस्प नज़रियात पेश किए। याकूब की सबसे ज्यादा दिलचस्पी आवाज़ में थी। वो अक्सर आवाज़ पर तजुर्बात किया करते थे कि आखिर ये पैदा कैसे होती है और फासले कैसे तय कर लेती है। जब बहुत सारी आवाज़ें मिलती हैं तो उनमें क्या तब्दीली पैदा होती है। जब गैर इंसानी आवाज़ों में साज के जरिए इंसानी नगमे उभरते हैं तो वो सुनने वाले के कानों में क्या उछल पैदा करते हैं। यूं इस अजीम मुसलमान साइंसदान ने म्यूजिक की कई किस्में इजाद कर डाली। यहाँ तक तो सब बात करते हैं कि याकूब ने एक आलिम दीन होते हुए भी संगीत जैसे हराम प्रोजेक्ट पर कैसे काम किया, लेकिन आगे की कहानी बताने को कोई तैयार नहीं। आप में से बहुत सो ने म्यूजिक थेरेपी का नाम जरूर सुना होगा। ये मेडिकल की एक ऐसी शाख है कि इसमें दिमाग की कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स को रिकवर किया जाता है जो अनटचेबल होती है, क्या यूं कहें, जहां ऑपरेशन करना मुमकिन नहीं। ऐसे मरीज का इलाज संगीत यानी म्यूजिक की कुछ खास धुनों के साथ किया जाता है। मसलन मैं अपनी आप बीती सुनाता हूं, जो कि बिल्कुल फैक्ट है। मुझे पिछले साल पैरालिसिक हो गया था। रब ताला का बहुत बड़ा करम है कि मैं ठीक हूँ, मगर गर्म दवाओं और गिजाओं की हिद्दत से मुझे कुछ ऐसे साउंड सुनाई देने लगे जिनका कोई वजूद ना होता था। जब मैंने अपने डॉक्टर से कंसल्ट किया तो डॉक्टर ने 30 म्यूजिक प्ले किए और कहा कि इनमें से वो कौन सा म्यूजिक सुनाई देता है। मैंने एक पर उंगली रख दी और बताया। उसके बाद उसने उस साउंड में कुछ दूसरे साउंड मिक्स किए और आँख बंद कर हर रोज 10 मिनट 3 बार सुनते रहने को कहा। और एक माह बाद मेरे ब्रेन में जो ऑडियो प्रॉब्लम हो गई थी वो हमेशा हमेशा के लिए दूर हो गई। दोस्तों, इसी को कहते हैं म्यूजिक थेरेपी। म्यूजिक थेरेपी खून में रवानी तेज करने के लिए, दिमागी अमराज के लिए और नफ्सियाती मरीज के लिए पूरी दुनिया में अक्सर इस्तेमाल की जाती है। याकूब किंदी दुनिया का पहला म्यूजिक थेरेपिस्ट था जिसने जहनी मरीजों के लिए म्यूजिक थेरेपी का ईजाद किया और कई धुनों को इलाज के लिए बनाया। लेकिन सोशल मीडिया पर आज़ादी और लिबरलिज्म के पैरोकार आजी के मुसलमानों को अपने जैसा रंगीन मिजाज साबित करने के लिए इस अजीम मुसलमान साइंसदान के आधे अधूरे हवाले देते नजर आते हैं, ताकि किसी तरह आज की नौजवान पीढ़ी को मिस गाइड किया जा सके। हालांकि याकूब का म्यूजिक इलाज के लिए था, ना कि किसी और तमाशे के लिए। याकूब किंदी चूंकि मुतजिल्ला गिरोह से थे तो उनके नज़दीक इंसानियत के भले के लिए हराम काम भी जायज था। नाज़रीन, याकूब किंदी ने शराब की भी कई किस्में ईजाद की। लोग इसे भी गलत मानते हैं, लेकिन हकीकत हम आपको बताएंगे। उन्होंने शराब पर बहुत सी किताबें भी लिखी और उस आलम दीन की बदनामी का सबब बनी, लेकिन हकीकत कुछ और है। नाज़रीन, याकूब बगदाद के इंटरनेशनल रिसर्च सेंटर दारुल हिकमत के चीफ डायरेक्टर थे। उस रिसर्च सेंटर का काम जहां उस वक्त के सल्तनत अब्बासिया के तालीम निज़ाम को कंट्रोल करना था, वहीं दूसरी तरफ पूरी दुनिया के इल्म फन को कौमी जबान अरबी में ट्रांसलेट भी करना था, ताकि तहकीक और तकनीक के सफ़र में उम्मत मुस्लिमा तरक्की के नए झंडे गाड़ सके। यही वो इदारा है जहाँ से इब्ने हज़म, इब्ने सीना, अलबरूनी जैसे अजीम मुसलमान साइंसदान दुनिया का हिस्सा बने।
बतौर एक चीफ डायरेक्टर याकूब के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, क्योंकि उस रिसर्च सेंटर में मुसलमानों के अलावा गैर मुस्लिम तालीम के लिए आते थे। मुसलमान शराब नहीं पीते और गैर मुस्लिम अपने फेल में आज़ाद थे। याकूब किंदी चूंकि मेज़बान थे, बड़े बड़े यहूदी उलमा शराब के आदि होते थे जो कि आज भी हैं, और दुनिया के दूसरे गैर मुस्लिम स्टूडेंट भी शराब पिया करते थे। और ये जितने भी गैर मुस्लिम थे खिलाफत अब्बासिया की कफालत में थे, इसकी जिम्मेदारी उठाने का काम भी खिलाफत अब्बासिया का था। यही वजह है कि किंदी ने शहद से कई तरह की शराब ईजाद की जो इंसान के होश आवाज पर और सेहत पर बिल्कुल असर नहीं डालती थी। और एक वक्त के बाद याकूब किंदी की तैयार करदा शराब खुद शराबी को नफरत दिलवा देती थी और पीने वाला उससे बेदार हो जाता था, हालांकि उसका जायका और चस्का असल शराब से कहीं ज़्यादा होता था। तो नाज़रीन, ये हिकमत किंदी ने माशरे को बुराई से दूर करने के लिए अपनाई थी। दोस्तों, तारीख उठाकर देखें तो उम्मत मुस्लिमा वो वाहिद कौम है जिसका एक एक फ़र्द ज़िंदगी के कई कई शोबों में माहिर होता था। अभी हम किंदी को बतौर तबीब और बतौर म्यूजिशन के किरदार को बयान कर रहे हैं, जबकि इसके अलावा वो क्या कुछ थे ये बताना अभी बाकी है। किंदी ने ऑपरेशन या ऐसी दर्दनाक इलाज के लिए तेज नशे वाली शराब का इजाद किया, इसके जरिए पूरे जिस्म को सुन कर दिया जाता था। उसके बाद उसका सर्जिकल ऑपरेशन किया जाता था ताकि मरीज को दर्द का एहसास ना हो। दोस्तों, तारीख में पहली बार उन्होंने शराब के दवाइयों में इस्तेमाल के लिए भी तरीका ईजाद किया, और ये तरीका आज भी दुनिया भर में राइज है। इसके अलावा उन्होंने नशे के छुटकारे के लिए कई दवाइयां शराब से बनाईं। याकूब किंदी एक ऐसा वसी जहन रखने वाले आलम दीन थे कि उनके नज़दीक हर वो काम जायज़ है जिससे इंसान को फ़ायदा पहुंचे, और उनके करीब हर वो नेकी गुनाह है जिससे दूसरे का नुकसान हो। आने वाले सदियों में उन्होंने रेडियो, टीवी, स्मार्टफोन और सैटेलाइट के लिए किताबों में थ्योरी लिखकर आज का इंटरनेट का रास्ता खोला, और भी बहुत कुछ जानेंगे अगली देखो सुनो जानो सीरीज़ 3 में। मौजूद बहनों और भाइयों, ये वीडियो अब यहीं अपने अख्तितम पर पहुँचती है। इल्म दीन सीखते रहिए, इल्म दीन सिखाते रहिए, और इल्म दीन घर घर पहुँचाते रहिए। अल्लाह ताला तमाम आलम इस्लाम को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे।